सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। लगातार श्रम करना ही आपकी सफलता का साथी है, इसलिए श्रम को सकारात्मक बनाएं, विनाशक नहीं। श्रम एक अपराधी भी करता है, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ किसी को नुकसान पहुंचाना या फिर उसकी जान लेना ही होता है। आज का पंचांग 2 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 8:15 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र सुबह 3:44 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर सुबह 3:44 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। मेष राशि 2 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार। आज आपके विचार उलझे और बिखरे हुए से हैं। आप एक साथ बहुत सारी बातों के बारे में सोच रहे हैं। इसका परिणाम यह होगा कि आज कोई भी काम पूरा नहीं कर पाएंगे। ध्यान को केंद्रित रखने की जरूरत है। थोड़ा सा मानसिक अभ्यास करें और दूसरों से सलाह ना लें, क्योंकि अलग अलग सलाह से आप और भी उलझते जाएंगे। घर में किसी धार्मिक आयोजन संबंधित योजना बनेगी। पिछले कुछ समय से चल रही समस्याओं से भी राहत मिलेगी। काम की अधिकता रहेगी, परंतु आप अपनी कार्य कुशलता और ऊर्जा से उन्हें संपन्न करने में सक्षम भी रहेंगे। काफी दिनों से अटकी हुई बातों में प्रगति नजर आएगी। आपके द्वारा प्रयत्न भी बढ़ाए जाएंगे, जिसके कारण योग्य व्यक्ति के साथ मुलाकात हो सकती है, जो काम को आगे बढ़ाने के लिए मददगार होगी। आपको अपना विश्वास और धैर्य बढ़ाने की आवश्यकता है। फिलहाल परिस्थिति मिश्रित फलदायक है, इसके लिए छोटी बातों से तुरंत हार ना मानिए। काम से संबंधित जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से व्यक्तिगत जीवन के लिए वक्त निकाल पाना आपके लिए कठिन हो सकता है। पार्टनर का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। सेहत ठीक रहेगी, फिर भी अधिक तला हुआ और मसालेदार खाना खाने से परहेज रखें। सावधानियां, बच्चों के करियर को लेकर चिंता रह सकती है, परंतु समय आने पर परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी। पड़ोसियों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। बेहतर होगा कि दूसरों की समस्याओं से दूर ही रहें। बात करते हैं लव लाइफ की। अत्यधिक व्यस्तता की वजह से परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, परंतु जीवन साथी तथा परिवार जनों का सहयोग घर के वातावरण को अनुशासित बनाकर रखेगा। आपके प्रेम प्रसंगों में एक तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। आप या आपका साथी किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आपके अतीत का पुराना प्यार आपके जीवन में वापस प्रवेश कर सकता है। यह हस्तक्षेप आपके करीबी मित्रों या आपके साथी के माता पिता से आ सकती है। समय की आवश्यकता है कि आप एक दूसरे का साथ मिलकर खड़े रहें। बात करते हैं करियर की। आप आज कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी लें। अगर आप इसे अच्छी तरह से करते हैं तो आपको एक दैनिक आधार पर इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके साथ वेतन में वृद्धि भी आएगी, इसीलिए ईमानदारी से काम करते रहें और लगातार अपने आप को प्रेरित करते रहें। हो सकता है कि लाभ आज दिखाई ना दे, लेकिन आप एक बेहतर जीवन के लिए कल की दिशा में काम कर रहे हैं।
अपने कार्य को पूरा करने के लिए अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करें। प्रॉपर्टी संबंधित बिजनेस में सावधानी की जरूरत है। कोई भी डील करने से पहले पेपर अच्छी तरह चेक कर लें। नौकरी पेशा लोगों को किसी प्रोजेक्ट पर टीम वर्क में काम करने से उचित रिजल्ट मिलेंगे। बात करते हैं सेहत की। आज आप अपनी सर्वोत्तम सेहत में हैं और अब समय नए लक्ष्य तय करने और खुद को अधिक सख्त कार्यक्रम के अनुसार ढालने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। एथलीटों और शारीरिक परिश्रम से जुड़े अन्य लोगों को आज विशेष सफलता मिलनी, तनाव रहित सक्रिय और खुश महसूस करने से आपकी मानसिक सेहत भी काफी अच्छी रहेगी। आप अपने आसपास के लोगों को भी अपने जोश और आशावादी दृष्टिकोण से प्रभावित करेंगे, जिससे उनको भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा मिलेगी। आज का उपाय। आज आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।